नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं के अनुरूप, कहा भारत को तेजी से बदलने और ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने में होगी मददगार। पीएम ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई शिक्षा नीति को बताया एक क्रांतिकारी कदम, कहा कि शिक्षा प्रणाली में संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने से भारतीय छात्रों का राष्ट्रीय संस्कृति और शिक्षण से मजबूत होगा संपर्क। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़कर 10,94,374 हुई। अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 107 पॉजिटिव मामले किए गए दर्ज। पासीघाट और उसके ग्रामीण क्षेत्रों में एक सप्ताह का लॉकडाउन आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के साथ सीधे बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान के भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत को तेजी से बदलना होगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के चौथे संस्करण में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में मदद मिलेगी। एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। साथियों, हमारे देश में भाषा, लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहां स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया, उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आपदा तैयारियों के स्तर और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने होलंगी में बन रहे राज्य आपदा त्वरित बल और राज्यभर में स्थापित किए जा रहे 5 क्षेत्रीय त्वरित बल के केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यभर में NDRF द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा प्रदेश में मुख्यालय स्थापित किए जाने के लिए किए गए उनके प्रयासों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आपदा से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर पर वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए आपदा मित्र योजना को और बेहतर बनाए जाने पर बल दिया। बैठक में गृह मंत्री बमंग फालिक्स और पर्यटन मंत्री नपाक नालो और मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए इसे एक क्रांतिकारी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने से भारतीय छात्रों का राष्ट्रीय संस्कृति और शिक्षण से संपर्क मजबूत होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में गृहमंत्री ने ये बात कही। इस वेबिनार का विषय था लोकमान्य तिलक, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। गृहमंत्री ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी या स्थानीय उत्पादों के बारे में लोकमान्य बाल गंगाधर के विचारों और शिक्षाओं के अनुरूप है। स्वाधीनता सेनानी लोकमान्य तिलक के योगदान के बारे में श्री शाह ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संघर्ष को सच्चे अर्थों में आंदोलन में बदलने का अग्रणी कार्य उन्होंने ही किया। उन्होंने देश के युवाओं से तिलक के लेखों को पढ़ने और आत्मनिर्भरता तथा संस्कृति के बारे में उनके विचारों को समझने का आग्रह किया। 100 साल समाप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु को, मगर आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका विचार और उन्होंने शुरू की हुई परंपरा आज भी इतनी ही रिलेवेंट दिखती है, इतनी ही प्रासंगिक दिखती है जितनी 100 साल पहले थी। यही बताता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे। भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है, उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था। आपने स्वभाषा का जो तिलक महाराज का जो अभियान था, स्वभाषा का तिलक महाराज का जो आग्रह था, कांग्रेस के अधिवेशनों में सब लोग उस वक्त भाषांतर की व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपनी अपनी भाषा में बोले, इसका आग्रह वो करते थे। उसको नरेंद्र भाई अभी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसके आधार पर देश के नए विकास का नक्शा खींचने का जो काम करा है, इसके साथ भी आज मुझे लगता है वेबिनार तिलक महाराज की सभी गुणों को आने वाले नए भारत की रत्ना के साथ जोड़कर मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का केंद्र बनने के लिए तैयार है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के प्रति अच्छा उत्साह देखा गया है। उन्होंने एप्पल और सैमसंग सहित वैश्विक मोबाइल कंपनियों को भारत में विनिर्माण बढ़ाने का निमंत्रण दिया। श्री प्रसाद ने देश में कारोबार करना सुगम बनाने, सशक्त और लोकप्रिय निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार, कुशल और अर्धकुशल मानव संसाधन की उपलब्धता तथा विशाल घरेलू बाजार सहित कई आकर्षक बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। श्री प्रसाद ने देश में आपूर्ति श्रृंखला के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और मैं बताऊं कि मोबाइल फोन बनने 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर 33 करोड़ यूनिट हो गया। तो हमारी कोशिश थी कि दुनिया के हम ग्लोबल इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हिंदुस्तान बुलाएं और भारत की भी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। देयरफॉर वी केम विद द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम वेयर बाय वी आर गोइंग टू गिव इंसेंटिव फॉर 5 years बोथ to the global companies and to the Indian companies. I'm very happy to notice that the production link incentive has not only invoked very favorable and energetic response in India, but also globally. देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10,94,374 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,569 रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड मृत्यु दर घटकर 2.15% रह गई है। देश में एक दिन में 57,118 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या 16,95,988 हो गई है। इनमें से 5,65,103 रोगियों
रोगियों का उपचार चल रहा है। एक दिन में 764 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या बढ़कर 36,511 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा 107 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार इस दौरान 91 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 670 है। राज्य में अब तक 81,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल कोविड जांच के लिए लिए जा चुके हैं। 107 नए पॉजिटिव मामलों में से सबसे ज्यादा 38 मामले चांगलांग जिले से और 22 मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से दर्ज किए गए हैं, जबकि ईस्ट सियांग से 14, ईस्ट कामिंग से 12 और नमसाई से 11 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एम लगो ने बताया है कि प्रदेश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 57.8% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के 9 जिलों में ट्रूनेट मशीनें जांच के लिए इस्तेमाल की जा रही है। डॉक्टर लगो ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रिम्स में सर्जरी को छोड़कर बाकी सभी दिनों की तरह अन्य सेवाएं काम करने लगेंगी। इस बीच ईस्ट सियांग जिले में आज से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन जिला मुख्यालय पासीघाट सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों रुकसिन सब डिविजन और सिले ओयान सर्कल में 7 अगस्त तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी सभी तरह के यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्पॉन्स टीम का जितना टेस्टिंग टोटल हुआ है वो 1,393, उसमें से 18 पॉजिटिव मिला है। देन उसके बाद में गेट में मंडोडवा गेट में 180 टेस्टिंग किया है, उसमें 2 पॉजिटिव मिला। देन लेकी में 45 टेस्टिंग किया तो 1 पॉजिटिव मिला है, लेकिन वो रिपीट पॉजिटिव है। देन ओसुगा होटल क्योस में डोज तो किया, सब नेगेटिव है। देन ट्रिम्स में 24 तो टेस्ट किया है, वो 2 पॉजिटिव मिला। देन आर के मिशन हॉस्पिटल में 17 किया है, सब 0 है। तो उसमें से ये पास में से 5 तो पॉजिटिव मिला है एंड आउट ऑफ 276 टेस्टिंग। सो सब मिला के जो टोटल एंटीजन टेस्टिंग है 1,669 एंड पॉजिटिव हुआ है 22। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन पुलिस स्टेशन के प्रभारी के यांगफो ने लोगों से कंटेनमेंट जोन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और इसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन जरूरी है। श्री यांगफो ने लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए पुलिस के साथ दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी नाहरलगन क्षेत्र में निर्धारित कंटेनमेंट जोन में लोगों आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। नालगन में हर जगह कंटेनमेंट हो गया। ये फिलहाल जिस जगह में कह रहा है ये भी सेक्टर है, ये भी कंटेनमेंट डिक्लेयर किया गया है। इसमें हम लोग बैरिकेड लगाया है, कोलो कॉलोनी और डी सेक्टर के बीच में बैरिकेड लगाया है, कोलो कॉलोनी और जी एक्स साइंस में बैरिकेड लगाया है, उसके बाद जी एक्स साइंस में बैरिकेड लगाया है, एफ सेक्टर में बैरिकेड। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने स्थानीय मस्जिदों में सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। जिन राज्यों में लॉकडाउन है वहां लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की। मस्जिदों के इमामों ने लोगों से स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए भाईचारे की भावना के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। ईद उल अजहा का त्यौहार ईश्वर की आज्ञा से अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए सहमत होने वाले पैगम इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह त्यौहार लोगों को न्यायपूर्ण, सद्भावपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि ईद उल अजहा से भाईचारे और करुणा की भावना मजबूत होगी।
राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 एक ऐतिहासिक कदम है और इससे शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्योगों की जरूरतों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास से उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये जो पुराना सिस्टम था हमारा 10+2+3 वाला, यानी कि 10 कक्षा 10 के बाद प्लस 2 यानी कि 2 वर्ष, 11th 12th, प्लस 3 यानी कि ग्रेजुएशन की बात हम करते थे। अब ये पॉलिसी 5+3+3+4 यानी कि कक्षा 5 क्लास 5 तक ये एक सेगमेंट में है और क्लास 5 के बाद 3 वर्ष एक सेगमेंट में है, फिर 3 वर्ष एक सेगमेंट में है। इसमें बच्चों को क्लास 5 तक अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पूरी संसाधन रहेंगे और पूरी योजनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में हम क्लास 5 तक बैग के साथ, ये हमारी बैगलेस व्यवस्था होगी, तो हम बैग के साथ बच्चों को ले जाते थे और अभी आपने देखा होगा कि बैग के रूप में बच्चों ने बड़ी शिकायतें की और कुछ ऐसे वीडियो भी आपने देखे होंगे कि बच्चे के वजन से बैग का वजन ज्यादा होता था। तो मुझे लगता है कि देश इस पे चिंता कर रहा था कि हमें मानव बनाना है, मतलब ये शिक्षा मंत्रालय मानव निर्माण के लिए लगे, ना कि मशीन निर्माण के लिए लगे। तो ये जो 5 वर्ष तक के, 5 क्लास तक के बच्चे जब इसमें आएंगे तो उनको मौका मिलेगा व्यक्तित्व निखार करने का और वो तब तय कर पाएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप तभी किसी व्यक्ति से पूर्ण रूप से आउटपुट यानी कि जो उसका उसके उसको मिलना उससे मिलना चाहिए वो आप तभी ले सकते हैं जब वो खुश होकर काम करे, वरना एक दुखी हृदय आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट दे ही नहीं सकता, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। और हमारी ये व्यवस्था इस चीज को समाहित करती है, यानी कि व्यक्ति ग्रेजुएशन करते समय भी च्वाइस ऐसी ले सकता है। अगर एक फिजिक्स का बच्चा अपने कैरियर को के ऑप्शन के रूप में एक म्यूजिक ले सकता है, आर्ट्स की विषय ले सकता है, एक तो मैंने एग्जांपल बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। पॉलिसी अभी बनी है, इसमें वो जो ड्रॉप आउट्स का या जो बाहर निकलने का जो ये प्रोसेस था, क्योंकि अभी इस नई पॉलिसी में जो ये 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कूलिंग पीरियड के लिए या सबटिकल के लिए भी, यानी कि मान लीजिए आपका 4 वर्षों का ये ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होगा, तो इसमें अगर 2 साल बाद बच्चा किसी कारण से आगे नहीं बढ़ सकता है तो इससे एग्जिट ले सकता है और इससे एग्जिट लेके वो काम कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, और जब उसके पास थोड़ा धन होगा या उसके माहौल उसको मिलेगा तो वो वापस आके उस स्तर से फिर अपनी शिक्षा शुरू कर देगा और 2 वर्ष पूरा करने के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।